Hello, welcome my dear students. Today, we are going to discuss about rearing of silkworm. यानी silkworm जो है रेशम के कीड़े उनको कैसे पाला जाता है. इससे पहले हमने देखा कि हमको सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है और सिल्क जो है हमको एक silkworm रहता है उससे प्राप्त होता है. अब आज उसको देखेंगे कि किस तरीके से कोकून हमको मिलता है, सिल्क को कैसे प्रोसेस करते हैं, यानी सिल्क कैसे बनाया जाता है उस कोकून से, और सिल्क की वैरायटी क्या है. सो फर्स्ट रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म को पालना. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेयरिंग? रेयरिंग मतलब पालना. हमने वूल के समय में देखा था कि शिप्स की रेयरिंग होती है तो उनको कैसे कैसे पाला जाता है, किस तरीके से देखा जाता है. सो वी मस्ट नो अबाउट दिस. Rearing of silkworm means to look after the silkworm by giving them proper food, shelter and health care. Rearing से क्या कहना है कि उनको proper food दिया जाए, यानी उनको खाने पीने की वस्तु सही दी जाए, shelter यानी उनके रहने की सही व्यवस्था की जाए, and health care यानी कुल मिलाकर silkworm, silk moth जो रहता है वो सही condition में रहे. अब इसकी बहुत सारी process है. सबसे पहले क्या होता है कि एक silk के जो बड़े बड़े farm रहते हैं जहाँ पर सिल्क की रेयरिंग की जाती है, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है, तो वहाँ पर फीमेल सिल्क मॉथ जो है उनको सेपरेट किया जाता है. सो फीमेल सिल्क मॉथ को सेपरेट किया जाता है अलग से, उनके रहने की अलग व्यवस्था की जाती है और उनको जो है लिनन बैग्स में रखा जाता है. कहाँ पर? लिनन बैग्स के ऊपर. लिनन बैग्स मतलब वो जो जैसे जूट टाइप के बैग्स रहते हैं उसे लिनन बैग्स भी रहते हैं, थोड़े दूर दूर जाली टाइप के, उसके ऊपर फीमेल सिल्क मॉथ को रखा जाता है और वो लिनन बैग के ऊपर एक ही टाइम में दैट फीमेल सिल्क मॉथ लेज 200 to 500 एग्स. और वो सिल्क मॉथ जो है फीमेल सिल्क मॉथ वो 200 से 500 अंडे वहाँ पर देते हैं. अब वो 200 से 500 अंडे देते हैं, एक ही फीमेल सिल्क मॉथ एक ही बार में 200 से 500 अंडे देती है. उन अंडों को क्या किया जाता है कि उनको एक जो बॉक्स बने हुए रहते हैं जिनको परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस बोला जाता है और ये बेम्बू ट्रेस के ऊपर बने हुए रहते हैं. इन बॉक्सेस में इन अंडों को रखा जाता है ताकि इनको वहाँ से सेपरेट किया, सिल्क मॉथ के यहाँ से सभी अंडों को लेकर इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखा जाता है और फिर इन बॉक्सेस से इनको इसमें क्या है, अब ये जो परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस है इसमें इनको दो तीन चीज़ें प्रोवाइड की जाती है. उसमें जो मेन चीज़ है इनको हाइजेनिक कंडीशन दी जाती है. यहाँ पर क्या दिया जाता है, एक तो हाइजेनिक कंडीशन मतलब ये जो एग्ज है इनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए एक तो हाइजेनिक कंडीशन इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. दूसरा इनको यहाँ पर जो है सूटेबल टेम्परेचर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और तीसरा इनको यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड की जाती है. अब ये परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस में इनको एक तो हाइजेनिक कंडीशन मिलती है, ये जो इतने सारे एग्स देते हैं, अब ये तो एक सिल्क मॉथ की बात हो रही है, ऐसे वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में सिल्क मॉथ रहते हैं तो ये पूरा एक बड़े स्तर पर काम चलता है. सो आफ्टर laying eggs, the eggs are kept in a perforated cardboard boxes in which some hygienic condition and suitable temperature with humidity they are provided. After that, अब कोई से भी किसी भी प्रकार के अंडे हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तो इन अंडों को यहाँ से इंक्यूबेटर में प्रोसेस किया जाता है. इंक्यूबेटर कौन सी मशीन होती है जहाँ पर डिजायर्ड टेम्परेचर दिया जाए. डिजायर्ड टेम्परेचर मतलब मनचाहा टेम्परेचर यहाँ पर बनाया जा सकता है. जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है अंडों को हैच करने के लिए, अंडों को पकाने के लिए, तो इन इंक्यूबेटर में इन सभी अंडों को यहाँ पर वो डिजायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि बिना अच्छे टेम्परेचर के, बिना डिजायर्ड टेम्परेचर के अंडे हैच नहीं हो सकते. तो इस इंक्यूबेटर में उनको प्रोवाइड ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है कि अंडे जल्दी से जल्दी हैच हो. जैसे अपनों ने देखा है, वी हैव लर्न अबाउट इट, कि मुर्गी भी जब अंडे देती है तो उसके ऊपर क्यों बैठी रहती है, क्योंकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर, उसको ऐसा तापमान दे सके ताकि वो जल्दी से हैच हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है. तो वो आर्टिफिशियल तरीके से इंक्यूबेटर से प्रोवाइड किया जाता है. तो इतने सारे अंडों को इंक्यूबेटर में डिजायर्ड टेम्परेचर दिया जाता है ताकि उसमें से अंडे निकल सके टाइम पर. अब ये जो वो रहते हैं बेम्बू ट्रेस के ऊपर है ना, उनको बॉक्सेस के अंदर रखा जाता है, तो यहाँ इंक्यूबेटर से उस पर क्या किया जाता है कि चॉप्ड मलबरी लीव्स आर स्प्रेड. मैंने आपको बताया मलबरी ट्रीज होता है, एक मलबरी करके एक पौधा होता है, तो उसकी ट्रीज को चॉप्ड करके यानी बारीक बारीक काट के उस अंडों के ऊपर फैला दिया जाता है आसपास पूरा ऊपर, ताकि जब वो अंडों में से
वो निकले, सिल्क मॉथ निकले इन एग्स में से, जब वो इंक्यूबेटर के थ्रू प्रॉपर टेम्परेचर के बाद में जब वो निकले, तो ये जो चॉप्ड मलबरी लीव्स जो रहती है, जो पत्तियां, इनको चॉप्ड करके और अंडों के ऊपर स्प्रेड कर देते, तो उनको वो जैसे अंडे से बाहर निकलते हैं वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, और वो खाना शुरू करते हैं और उनकी साइज इनॉर्मसली साइज उनकी बढ़ती है, बहुत स्पीड से उनकी साइज बढ़ने लगती है, और 25 to 30 days में, 25 से 30 दिनों में जो है वो बड़े होने लगते हैं, बहुत स्पीड से उनकी साइज बड़ी होती है, और 25 से 30 दिनों बाद उनको कुछ टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू होते हैं, यानी बांस के चैम्बर बनाए हुए रहते हैं, जहां पर उनको अब अंडों में से लार्वा वो निकल गए, सिल्क मोथ लार्वा टाइप, वो जो अंडे हैच होते हैं उसमें से लार्वा निकलते हैं, और वो लार्वा इन मलबरी लीव्स को खा के स्पीड से बड़े होने लगते हैं, और जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू रहते हैं, यानी बैम्बू यानी बांस के चैम्बर बनाए हुए रहते हैं छोटे छोटे, जिसको उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, और फिर उनको जो है जब उनकी साइज बड़ी हो जाती है और वो खा पी के उनका खुद का शरीर डेवलप हो जाता है, बॉडी डेवलप हो जाती है, तो वो जो है वो कोकून बनाने के लिए, वो जो है सिल्क मॉथ कोकून बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उनको टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू से उनको स्मॉल रेक्स ऑफ ट्विग्स और ये प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी या तो उनको स्मॉल रेक्स प्रोवाइड करते हैं या ट्विग्स, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे रेक रहते हैं जहाँ पर उनको एक एक रेक में एक एक फिक्स या ट्विग्स यानी ऐसी टहनियों के बीच में उनको डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो बैठे बैठे खुद का अपना कोकून डेवलप करें। मैंने बताया था एट शेप के आकार में उनका मुंह चलता है, ऐसे उनका ऐसा मुंह चलता है ताकि वो अपने चारों तरफ एक, मान लो ये सिल्क मॉथ है तो इसके चारों तरफ ऐसा कोकून डेवलप करेगा मुंह घुमा घुमा के, तो उनको ये स्मॉल रेक और ट्विग्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने चारों तरफ एक कोकून बना ले, और ये कोकून बनाते बनाते अंदर वो जो मॉथ रहता है सिल्क मॉथ वो ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, और वो अंदर प्यूपा बन जाता है ना, तो उस सिल्क मॉथ के अंदर वो प्यूपा बन जाता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है, जब हमारा कोकून डेवलप हो गया, जो कोकून बन जाता है उसी से हमको सिल्क प्राप्त करना रहती है, तो ये वो प्रोसेस हो गई कि किस तरह एक फीमेल सिल्क मॉथ से अंडे रहते हैं और अंडों को अलग अलग प्रोसेस से गुजार के, और फिर वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं, वो हैच होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, जब वो मलबरी ट्रीज खा के उनको बेम्बू के यहाँ पर ले जाते हैं और वो खुद के चारों तरफ जो है कोकून एक आवरण बना लेते हैं। अब यहाँ पर आके प्यूपा बन गया और कोकून भी बन गया। अब आगे देखेंगे कि कोकून से सिल्क कैसे प्रोसेस की जाती है, तो ये वो तरीका है कि उनको किस तरह पाला जाता है, किस तरह उनको, अब ये सारा बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू होता है, ये कोई आर्टिफिशियल तरीके से ये कुछ चीज़ें होती है, बाकी ये सब इंक्यूबेटर वगैरह ये बड़ी बड़ी मशीनों से और बहुत सारे लेबर लगे हुए रहते हैं, सभी लोग उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास कोकून आ जाता है। नाउ आफ्टर ऑब्टेनिंग कोकून्स, जब हमको सिल्क मॉथ से कोकून प्राप्त हो गया, तो प्रोसेस आती है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क कैसे बनाया जाता है, सो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इन टू गेटिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून। सो कोकून से सिल्क प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कोकून्स को क्या किया जाता है, एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब हॉट वाटर के अंदर उस कोकून्स को निकाला जाता है और उसको ट्रीटेड इन वोवेन, यानी अंदर कोकून्स के अंदर प्यूपा रहते हैं, तो उसको हॉट वाटर और ओवन के अंदर से गुजारा जाता है ताकि प्यूपा इन कोकून डाई, ताकि वो जो कोकून्स के अंदर प्यूपा डेवलप हो गए वो अंदर मर जाए या वो उनको ख़त्म किया जा सके। अगर प्यूपा कोकून के अंदर डाई नहीं होते हैं तो वो रेशम के थ्रेड्स को ब्रेक कर सकते हैं और हमको अच्छा मनचाहा सिल्क नहीं मिलता है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज बॉइलिंग, यानी कोकून्स को बॉइलिंग के थ्रू प्यूपा को अंदर डाई किया जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस आती है रीलिंग। रीलिंग एक प्रोसेस है जब कोकून से पूरे थ्रेड टाइप उसको निकाला जाता है सिल्क को, यानी ये कोकून है पूरा बनाया हुआ ऐसे 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 करके, अब इसमें से उसको कोकून को अलग निकालना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। रीलिंग के अंदर जो कोकून्स में से उस सिल्क को निकाला जाता है, वो सिल्क थ्रेड प्राप्त होता है हमको। अब ये सिल्क थ्रेड बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत बारीक होता है, तो 3 to 10 सिल्क थ्रेड को एक साथ, ये इतना फाइन होता है कि 3 to 10 सिल्क को एक साथ लेके फिर से रीलिंग की जाती है, और फिर से रीलिंग करने के बाद जो पूरा जैसे बारीक बारीक सिल्क को ऐसे मिला के और पूरा एक धागा निकाला गया तो एक थ्रेड बनता है, तो डबल रीलिंग के बाद में हमको जो है रॉ सिल्क प्राप्त होता है, और ये जो रॉ सिल्क प्राप्त हो जाता है अच्छा वाला जो हमको रीलिंग प्रोसेस के बाद में मिलता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो स्पून सिल्क होता है,
जो हमारे वो काम में नहीं आता है, वो अच्छा मटेरियल बनाने के काम में नहीं आता, वो स्पून सिल्क अलग होता है। अब ये जो रॉ सिल्क बना, अब इसको थ्रोइंग करके एक प्रोसेस होती है, थ्रोइंग मतलब इसको इस तरीके से ट्विक किया जाता है और मशीन के थ्रू होता है। जब ये पूरा एक इस तरीके से पूरा एक सिंगल थ्रेड बन जाता है, ताकि बाद में इसको ब्रेक करके अलग 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 सिल्क के थ्रेड या फाइबर नहीं निकाल पाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोइंग। तो जब रॉ सिल्क को थ्रोइंग प्रोसेस से निकालते तो थ्रोन सिल्क बन जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये सिल्क थ्रेड से जो रॉ सिल्क रहता है, इसको थ्रोइंग प्रोसेस से निकालने के बाद एक सिंगल सिल्क का एक थ्रेड बनता है, जिसको सिल्क फाइबर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, वहीं से हमको मिलता है थ्रोन सिल्क। ये हमारा मेन सिल्क होता है, जिसको बाद में एक प्रोसेस होती है डाइंग। थ्रोन सिल्क को डाइंग के थ्रू अलग अलग कलर किया जाता है, यानी सिल्क के जो कपड़े थे एक ही कलर के तो नहीं हो सकते, तो उनको अलग अलग कलर में करने के लिए डाइंग प्रोसेस के थ्रू कलर्ड सिल्क प्राप्त किया जाता है, और फिर वीविंग के थ्रू उनको लास्ट में सिल्क क्लॉथ जो हम चाहते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, सिल्क क्लॉथ हमको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रोसेस से गुजारने के बाद हमको कोकून से सिल्क प्राप्त हो जाता है। आपको लाइन बाय लाइन बुक में पढ़ना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा, आप वीडियो को देख के लाइन बाय लाइन जरूर पढ़े। अब सिल्क के टाइप क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। नाउ आफ्टर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून, वी आर गोइंग टू नो अबाउट वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। सो माई डियर स्टूडेंट्स, देर आर सो मेनी टाइप ऑफ सिल्क, बट मेनली वन इज, फर्स्ट इज मलबेरी सिल्क मॉथ। वर्ल्ड में जितनी भी ज़्यादा रेशम की डिमांड पूरी की जाती है या सिल्क जो मिलता है, अधिकतर वो मलबेरी सिल्क मॉथ से मिलता है, जो कि अधिकतर वर्ल्ड में ज़्यादातर यही प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि मलबेरी लीव्स पे ज़्यादा पाया जाता है। ये सिल्क जो है मलबेरी सिल्क मॉथ का जो सिल्क, ये सॉफ्ट रहता है, लस्चरस रहता है, इलास्टिक। सॉफ्ट यानी मुलायम रहता है, लस्चरस मतलब चमकीला रहता है, और इलास्टिक मतलब ये पूरा फ्लेक्सिबल भी रहता है। तो ये सिल्क थोड़ा ज़्यादा ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आता है टसार सिल्क वॉर्म्स। ये टसार सिल्क वॉर्म जो है, ये अर्जुन लीव्स यानी अर्जुन ट्री रहता है, अर्जुन नाम का एक पेड़ है, उसके लीव्स पे पाया जाता है, ये कमतर पाया जाता है, और इसी को टसार सिल्क बोला जाता है। थर्ड होता है एरी सिल्क वॉर्म्स। एरी सिल्क वॉर्म जो है, ये केस्टर लीव्स, केस्टर ट्री पे पाया जाता है, इस केस्टर लीव्स को खाकर इसी पे फीड होता है, और इसी से हमको अब इसमें जो सिल्क प्राप्त होता है, ये जो सिल्क मोत रहते हैं, ये ब्रिक रेड सिल्क प्रोवाइड करते हैं हमको। किस कलर का? ब्रिक रेड सिल्क, और इसी को एरी सिल्क बोला जाता है, क्योंकि कस्टर्ड लीव्स खाते हैं, तो इस सिल्क का कलर कैसा हो जाता है? ब्रिक रेड सिल्क जैसा। नाउ लास्ट है मुगा सिल्क वॉर्म। ये सोम लीव्स पे ज़्यादा पाए जाते हैं, सोम लीव्स, और मुगा सिल्क वॉर्म जो है सोम लीव्स पे पाए जाते हैं। इसके स्पेशलिटी क्या है? ये लस्चरस होते हैं, गोल्डन येलो होते हैं, यानी चमकीले होते हैं, और गोल्डन येलो मतलब थोड़ा सा सोने जैसा येलो कलर, पेल येलो कलर देता है इनका लस्चरस, गोल्डन येलो, और मुगा सिल्क वॉर्म इनसे प्राप्त होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में, इंडिया के आसाम में ही पाया जाता है, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ओनली आसाम में ही पाया जाता है, और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, बाकी तीनों वर्ल्ड में और जगह भी पाए जाते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सो यू हैव टू गो थ्रू योर दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना है अच्छे से। क्वेश्चन आंसर आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले आप जो नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बनाइए, बुक्स को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो दिए जाएंगे उसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ओके, बाय।